नेता राज्यसभा जाएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी प्रमोद तिवारी को राज्यसभा का टिकट। इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से राज्यसभा जाएंगे, प्रमोद तिवारी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का ऐलान किया जा चुका है। और इसी के साथ देखिए, ये कांग्रेस ने भी अपने जो नाम है वो सामने रख दिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के दो चेहरे जो हैं, एक ब्राह्मण चेहरा और एक मुस्लिम चेहरा। और इसी के साथ यहाँ पर इन चेहरों को आगे ले जाने की कोशिश जो है वो अब अलग अलग राज्यों से कांग्रेस करे। हालांकि भले ही उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनावों में कांग्रेस वो अपना परचम ना लहरा पाई, जैसा कि उसे उम्मीद थी कि इस बार जीत तक वो पहुँच सकती या फिर अच्छे खासे वोट मिल के कई सीटों का फायदा हो सकता है, ऐसा कुछ ना हो पाने के बाद भी उत्तर प्रदेश से दो बड़े चेहरे जो है वो राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है कांग्रेस ने। इमरान प्रतापगढ़ी और इसी के साथ देखिए प्रमोद तिवारी का नाम इसमें शामिल है। वैसे उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, ये यूपी के दो बड़े चेहरे हैं जो राज्यसभा जाएंगे, भले ही वो अलग अलग राज्यों से ही क्यों ना ताल्लुक रखते हो, लेकिन यूपी में संगठन मजबूत हो इसकी तैयारी जरूर कांग्रेस कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने 2024 के लिहाज से इस बार उत्तर प्रदेश के तीन बड़े नेताओं को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। पहला नाम जो है प्रमोद तिवारी का है, जिन्हें राजस्थान से भेजा जा रहा है। दूसरा नाम वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला का है, जिन्हें छत्तीसगढ़ से भेजा जा रहा है। और तीसरा नाम इमरान प्रतापगढ़ी का है, जिनको महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी को जिस तरह से महाराष्ट्र से नामांकन भरने के लिए कहा गया, उम्मीदवार बनाएगा, उसके बाद से कांग्रेस में नाराजगी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। कल कई नेताओं ने ट्वीट कर कहा कि उनकी तपस्या जो है वो काम नहीं आई। नगमा जो महाराष्ट्र से आती हैं, नेता हैं महाराष्ट्र की कांग्रेस की, उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि 2003 और 4 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उस समय उनसे कहा था कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन उनकी तपस्या और उनका काम जो है वो काम नहीं आया। क्या वो क्या उनके अंदर कम सलाहियत है या कम अनुभवी थी, इस वजह से इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से जो है वो राज्यसभा भेजा गया। पवन खेड़ा ने भी इसी तरह की बात कही, कहा कि वो कम योग्य हैं इसलिए उनको राज्यसभा नहीं भेजेगा। साफ तौर पर राजनीति जो है वो शुरू हो गई। लेकिन अगर बात की जाए, जिस तरह से कांग्रेस ने ब्राह्मण और मुस्लिम वोट को साधने के लिए दो बड़े ब्राह्मण नेताओं को और एक मुस्लिम नेताओं को अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं उनको अलग अलग राज्यों से भेजा, कहीं ना कहीं 2024 में निशाना साधने की कोशिश है वो की जा रही है। इसका खासा असर ये भी कहा जा रहा है कि जो लोकल नेता हैं उनके ऊपर जो है किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र से भी कई लोकल नेताओं को राज्यसभा नहीं भेजेगा, उनकी जगह प्रतापगढ़ी को जो है राज्यसभा भेजा गया। इसके अलावा अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही देखने को मिला है और राजस्थान में भी इसी तरह का देखने को मिला है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की नज़र जो है 2024 के ऊपर है, और कांग्रेस को पता है कि 2024 में अगर ब्राह्मण और मुस्लिम वोट साधने में कामयाब हो गई तो इस बार के नतीजे जो हैं बेहद अलग हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। यही वजह है कि तीन बड़े नेताओं को अलग अलग राज्यों से कांग्रेस ने राज्यसभा भेजने का फैसला इस बार किया है। ठीक है, बिल्कुल। अगर देखिए, यहाँ पर जो कांग्रेस अपना दाव चल रही है, कोशिश उम्मीद यही है कि लोकसभा के चुनावों में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन आपने एक बात का जिक्र किया कि जो स्थानीय नेता हैं वो इन तीन नामों के बाद नाराज दिख रहे हैं, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी का नाम हो, राजीव शुक्ला का नाम हो, चाहे वो प्रमोद तिवारी का नाम ही क्यों ना हो। इसके बाद क्या कांग्रेस ने कुछ कहा इस बात को लेकर कि नाम जो है क्या सोच समझ कर और किस तरीके से वो भेज रहे हैं, और लोगों की नाराजगी जो उसको कैसे यहाँ पर देखा जा रहा है, कांग्रेस देख रही है? देखिए, बिल्कुल, अगर बात की जाए, जिस तरह से नाराजगी जो है वो उठ रही है, खासतौर से महाराष्ट्र की सीट से, जिस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा गया, क्योंकि इमरान प्रताप तो कांग्रेस देखिए अपने तीन नाम, अब देखिए इसमें अपडेट आपको बता रहे कि तीन नाम हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी राजस्थान से, राजीव शुक्ला छत्तीसगढ़ से हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो महाराष्ट्र से राज्यसभा के उम्मीदवार जो हैं वो कांग्रेस के बनाए गए, और तीनों ही चेहरे जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे लखनऊ की खबर का रुख। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही का सातवां दिन है आज, सुबह 11 बजे से शुरू हो